2008 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने मिसहैंडल किया म्यूजिशियन डेव कैरोल्स के गिटार को, जिससे उनका $3,500 का गिटार टूट गया। बाद में उन्होंने एयरलाइंस के साथ लगभग 8 महीने नेगोशिएशन की, लेकिन एयरलाइन नहीं मानी क्योंकि एयरलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका क्लेम 24 घंटों के अंदर नहीं किया था। इसके बाद डेव कैरोल्स ने एक सॉन्ग लिखा अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि उन्होंने 6 जुलाई 2009 को यूट्यूब पर पोस्ट किया और वो 3 दिनों में वायरल हो गया, जिसकी वजह से यूनाइटेड एयरलाइंस का स्टॉक पर प्राइस लगभग 10% गिर गया और उससे एयरलाइन को 4 हफ्तों में $180 मिलियन का लॉस हुआ। सो जेरोक्स ने 1972 में पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, जो कि GUI एंड माउस के साथ था। उस कंप्यूटर का नाम एल्टो था। माउस का कॉन्सेप्ट जेरोक्स की ही देन है, बट उन्होंने इस आइडिया पर ध्यान न देकर टेक्स्ट बेस्ड मशीन बनाने में ही फोकस किया। लेकिन एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को इसमें इंटरेस्ट था। उन्होंने जेरोक्स को उनके इंजीनियर्स को इसकी टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए एग्री कर लिया और उसका रिजल्ट था कि एप्पल ने मैकिंटॉश लॉन्च कर पर्सनल कंप्यूटिंग में नई क्रांति ला दी। 2003 में जब ईबे चाइना में लॉन्च हुआ तो कंपनी ने $100 मिलियन लगा दिए अलीबाबा से कंपटीशन करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ईबे सेलर्स से चार्ज ले रहा था उनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने पर और अलीबाबा फ्री था, जिसका नतीजा ये निकला कि ईबे का मार्केट शेयर काफी ड्रॉप हो गया और फाइनली 2006 में ईबे ने चाइना में अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। 2001 में टोक्यो के एक स्टॉक ट्रेडर को डेंसो नाम की एक जापानीज कंपनी के 6 शेयर्स को 6,10,000 येन में बेचना था, बट उसने 6,10,000 शेयर सिर्फ 6 येन में बेच दिए। उसकी ये गलती तुरंत ही पकड़ी गई, बट स्टॉक एक्सचेंज ने उसकी ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं करी, जिसकी वजह से कंपनी को सारे शेयर मार्केट वैल्यू पर खरीदने पड़े, जिसका नतीजा ये था कि कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन का नुकसान हुआ। उस ट्रेडर ने बाद में रिजाइन दे दिया। 90s में एक्साइट, जो कि मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड था इंटरनेट का, एक्साइट एक कलेक्शन था वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज का। 1999 में गूगल फाउंडर एक्साइट के CEO के पास पहुंचे और बोला कि आप $1 मिलियन में गूगल को हमसे खरीद लीजिए। वो उसे इसलिए बेचना चाहते थे क्योंकि वो गूगल की वजह से अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, बट तब भी एक्साइट के CEO जॉर्ज बेल ने उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। नतीजा ये था कि 2001 में एक्साइट बैंकक्रप्ट हो गया और आज गूगल की मार्केट वैल्यू लगभग $450 बिलियन है। 1991 में एक स्पीच के दौरान ब्रिटेन की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी द रेटनर्स ग्रुप के CEO ने अपने प्रोडक्ट पर कमेंट करते हुए ये कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे अपना सामान इतनी कम प्राइस में बेचते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल बकवास हैं। इसका नतीजा ये था कि कंपनी ने उन्हें जॉब से निकाल दिया और कंपनी को करीब करीब £500 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो कोलैप्स ही कर गई। 1975 में ही कोडेक ने पहला डिजिटल कैमरा डेवलप कर लिया था, बट कंपनी ने उसे सीक्रेट रखा क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी वजह से उनकी फोटोग्राफिक फिल्म इंडस्ट्री खतरे में आ जाएगी। इसका रिजल्ट ये था कि दूसरी कंपनीज लाइक सोनी वगैरह ने डिजिटल कैमरा में मार्केट करना शुरू कर दिया और कोडेक लगभग कंगाली हो गई। 2014 में लंदन ब्लैक कैब्स ने उबर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सेंट्रल लंदन में ग्रिडलॉक कर दिया। ग्रिडलॉक का मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा या बहुत सारी कारें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाए और वहां पर ट्रैफिक कंजेशन हो जाए उसकी वजह से। लेकिन इससे उबर को कोई नुकसान नहीं हुआ और उनकी ऐप का डाउनलोड 850 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो ये थी वो 8 कंपनीज जिन्हें अपनी गलतियों की वजह से काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड बाय।